हेलो फ्रेंड्स, आज हूँ तमने कॉर्नभेल बनाने बताई रही छू। मित्रों, आ कॉर्नभेल सूरत शहर में डुम्मस नामनु बीच है, एटलू प्रसिद्ध है त्यानी आ कॉर्नभेल। जो तमे कोक वक्त जाओ ने तो जरूर थी खाजो, पर तमे त्या बेसीने खाता होय जे मजा लेता होय तो ये कॉर्नभेल आज आपणे घरे बनावीए। तो चलो फ्रेंड्स, तमने आज आ कॉर्नभेल रेसिपी हूँ बताई रही छू। मित्रों, जो तमने मारी आ रेसिपी गमे ने तो आज ट्राय करजो। मकाईनी सीजन है ज हमणा, मकाईना दाना लावो अने भेल तैयार करो। मित्रों, हजू सुधी जो तुम गुजराती रसोई चैनल ने सब्सक्राइब ना करू हो तो मित्रों आज करजो, एट अवनवी रेसिपीज तमने जोवा मळशे। अने बाजू में आपेला बेल आइकॉन ने पण क्लिक करजो। सौ प्रथम आपणे 250 ग्राम मकाईना दाना ने गरम पानी में बॉइल करवा माटे मूकीशुं। मकाईना दाना ने आपणे सारी रीते पाणी थी धोईने पछी बाफवा माटे मूकवाना छे। 3-5 मिनिट में मकाईना दाना सारी रीते बाफीने तैयार थई जशे। त्यारबाद आपणे एमां 1/2 टीस्पून हळदर नाखीने मिक्स करी लईशुं। पछीथी आपणे गैस बंद करीने मकाईना दानामांथी पाणी ड्रेन करी लईशुं। मित्रों, हमें आ मकाईना दाना बाफीने तैयार थई गया है। कॉर्नभेल बनावा माटे आपणे जोईशे 1 झीणी समारेली डुंगळी, 1 झीणू समारेलू टामेटू, झीणा समारेला लीला धाणा, 1 टीस्पून लाल मरचू, 3/4 टीस्पून चाट मसालो, 1/2 लींबूनो रस, स्वाद प्रमाणे मीठू, 2-3 टीस्पून शेजवान चटनी, लीली चटनी, खजूर आमलीनी चटनी, थोड़ी सेव अने थोड़ू चीज। हवे आपणे भेल बनावा माटे मकाईना दाना में झीणी समारेली डुंगळी नाखीशू, झीणा समारेला टामेटा, 2-3 टीस्पून शेजवान चटनी, थोड़ी लीली चटनी। मित्रों, तमे बाळको माटे जो आ भेल बनावता होय तो चटनीनुं प्रमाण तमे थोड़ुं ओछुं राखजो। खजूर आमलीनी चटनी, एक टीस्पून लाल मरचू, 3/4 टीस्पून चाट मसालो, स्वाद प्रमाणे थोड़ुं मीठू, ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા, અને 1/2 લીંબુનો રસ નાખીને મિક્સ કરીશું। મિત્રો, તમારી પાસે લીલી ચટણી, ખજૂર આમલીની ચટણી ઘરે તૈયાર હશે જ, તો તમે જ્યારે જોઈએ ત્યારે આ ભેલ તૈયાર કરી શકો છો। મિત્રો, આ બંને ચટણીની રેસીપીની લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી છે। मित्रों, आ भेल ने आपणे सारी रीते चमचाना मदद थी मिक्स करी लईशुं। केटली यम्मी अने टेस्टी लागे छे ने। मित्रों, आमां तमे जे चाट मसालो अने शेजवान चटनी नाखो छो ने, एनाथी आ भेल खावामां एटली टेस्टी अने यम्मी लागे छे ने, खरेखर तमे खाता ज रहेशो। हवे आ कॉर्न भेल ने आपणे एक प्लेटमां सर्व करीशुं। ઉપરથી જીની સેવ નાખીશું અને ચીઝ ગ્રેટ કરીને સર્વ કરીશું। તો મિત્રો, સુરતની ફેમસ કોર્નભેલ તમારા માટે તૈયાર છે, આજે જ ટ્રાય કરજો। મિત્રો, સરસ ખાઓ, સ્વસ્થ રહો અને ગુજરાતી રસોઈ જોતા રહીશો।